बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ैज़ा बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको बताया जाए कि इस वक्त वाइट हाउस के ड्राइंग रूम में क्या डिस्कशन की जा रही है, अफगानिस्तान के ड्राइंग रूम में क्या बातें की जा रही हैं, रूस हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, इनके ड्राइंग रूम्स में किस किस्म की डिस्कशंस की जा रही हैं और कौन से अहम फ़ैसले जो हैं वो मुतवक्को किए जा रहे हैं। और जब बात की जाती है अहम फ़ैसलों के हवाले से, तो कुछ बात करेंगे अफगान हुकूमत तालिबान के हवाले से। 31 अगस्त तक की डेडलाइन उन्होंने दे दी है कि तमाम ममालिक जो हैं अपनी फ़ौजों का इनखला करवा दें, नेटो हो, तुर्की की फ़ौज हो या फिर रूस की फ़ौज हो या अमेरिका की हो या बरतानिया के लोग हों, वो फौरी तौर पर यहाँ से 31 अगस्त तक वापस चले जाएं। इसके बाद जो बंदा वहाँ पर रुकेगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह साहब का ये कहना है कि इस वक्त जो नैरेटिव पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है तालिबान हुकूमत का, वो इंतहाई गलत है। हम ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी करते हैं, तालीम के फ़रोग की बात करते हैं और एक आम आदमी के बुनियादी हकूक़ की भी बात करते हैं। वादी पंजशीर के अगर हवाले से बात की जाए तो अहमद शाह के जो बेटे हैं उनका ये कहना है कि मैं इस वक्त सरेंडर नहीं करूँगा, सरेंडर करने से बेहतर है कि मैं तालिबान के हाथों मारा जाऊँ। लेकिन तर्जमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह साहब का ये कहना है कि हम किसी भी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते, अगर बात कब्ज़े की हो तो हम एक दिन में वादी पंजशीर पर कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शुमाली इलाका जात के जितने भी कबाइल हैं उनके साथ बैठ के अफाम व तफहीम से तमाम मसाइल को हल किया जाए और वादी पंजशीर के साथ भी तमाम मामलात को तय किया जाए। इसी के साथ साथ जी, पाकिस्तान में जो मौजूद हैं पाकिस्तानी सफ़ीर, साबिक सफ़ीर तालिबान हुकूमत के, अब्दुल सलाम ज़ईफ़ साहब का ये कहना है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तालिबान हुकूमत के अगेंस्ट बातें फैलाने के ऊपर ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जबकि काबुल में मैंने लोगों से जब राबता कायम किया तो मालूम हुआ कि वहाँ मौजूद लोग जो हैं वो मामूलात ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं और वहाँ के लोग खुश नज़र आते हैं। अफगान हुकूमत की तरफ से एक और ऑर्डर दे दिया गया है कि कोई बंदा भी वहाँ से गैर मुल्की डॉलर, रकूम और वहाँ से नवादरात बाहर नहीं लेके जा सकता। जो भी शख्स इस कार्रवाई में मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तुर्की की तरफ से ये दावा किया गया है कि काबुल एयरपोर्ट को चुराने के लिए इस वक्त तालिबान हुकूमत ने हमसे राबता किया है, जबकि तर्जमान तालिबान हुकूमत का ये कहना है कि हमारी तरफ से किसी भी किस्म का कोई राबता नहीं हुआ, माँ सवाए इसके अलावा कि आप अपनी फ़ौजों का इनखिला यहाँ से कर दें। रूस का ये कहना है कि 100 से ज़ायद हेलीकॉप्टर जो हैं वो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, लेकिन जदीद सिस्टम को नहीं जानते वहाँ के लोग, नहीं उसको ऑपरेट कर सकेंगे, तो उन्हें बिलाकर हमसे रजू करना पड़ेगा। मेरे प्रोग्राम में एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद होते हैं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में फ़ियाज़ वड़ाई साहब। उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके औकाब के पास क्या ख़बरें हैं और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर ड्राइंग रूम में कौन कौन सी बातें की जा रही हैं और पाकिस्तानी ड्राइंग रूम में क्या डिस्कशन की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैज़ा, क्या है आपके? ठीक, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया आज तो आपने, इंटरव्यू में बता दिया कि दुनिया के ड्राइंग रूम में, दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे आज आप पाकिस्तान से निकल कर कभी आप व्हाइट हाउस में बैठी हैं, कभी आप काबुल में सदारती महल में पहुंची हुई हैं और कभी आप... आपने देनी है जनाब, आप बताएंगे कि ड्राइंग रूम में क्या बातें हो रही हैं और आपके आपके पास क्या खबरें हैं, व्हाइट हाउस में क्या चल रहा है। एक हंगामी इजलास हुआ है G7 मुल्कों का। आप जानती हैं कि जो G7 मुल्क है ये दुनिया के अमीर तरीन और खाते पीते मुल्क है। इनका ख्याल है कि हम दुनिया का 40% हैं और 60% जो इस दुनिया के वसाइल हैं वो हमारे कब्जे में हैं। यकीनन उनकी बात दुरुस्त भी है, वो अमीर कबीर है, खाते पीते लोग हैं। उन्होंने कल तालिबान को कहा है, देखिए हालात कैसे, वक्त कैसे पलटता है। वो तालिबान जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, एक वक्त था 20 साल अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें अफगानिस्तान की, ये जो 20 साल मुश्किल तालिबान ने गुजारे हैं आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जितनी बड़ी दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, नेटो फौजें वहाँ पर पहुँची हुई थी और किस तरह, अभी कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया है तालिबान में जिसमें उन्होंने गुआंतानामो और जो अबू ग़रैब जेल है वहाँ का मंजर बयान किया है। आप सब्र नहीं कर सकती कि उन जेलों में मुसलमान कैदियों के साथ क्या क्या सलूक किया गया। और हकीकत भी ये है, किसी ने तालिबान को उस वक्त साथ भी नहीं दिया, ना कोई पड़ोसी मुल्क भी उनके साथ था, ना कोई दूर का मुल्क साथ था, ना कोई और, बिल्कुल वो तन तनहा थे। और जिस तरह उन्होंने 20 साल फेस किया है कि आज G7 वाले सर जोड़ कर बैठे और कह रहे हैं तालिबान से कि आप कोशिश करें
जिनको वो दहशत गर्द कहते थे, आज उनसे कह रहे हैं कि दहशत गर्दी रोकने में हमारी मदद करें। क्या साहब फिर ये बात, ये कितनी बड़ी बात है, आज G7 के ड्राइंग रूम में बैठकर उनसे इल्तिजा की गई है। अच्छा, ये भी एक बात बिल्कुल दुरुस्त हुई, कहते हैं ना जालिम डरपोक होता है, जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ की जेलों का जो मंजर दिखाया गया, आज इसीलिए वो लोग इतने डरे हुए और इतने खायफ हैं कि अगर ये लोग हमारे साथ किसी और किस्म का सलूक ना कर दें, कोई ना रवा रवैया हमारे साथ इख्तियार ना कर लें। यार डर का कॉलम नजर आ रहा है आपको, इतने खौफजदा। अभी तो आप देख लेंगे जब से तालिबान आए हैं उन्होंने किसी गैर मुल्की को, कम से कम किसी गैर मुल्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि बहुत सारी अफवाहें उनके बारे में बताई जा रही हैं यूरोपीय मीडिया पे और दूसरे मुल्कों में, जो 24 घंटे के बाद खुद ही दम तोड़ देती हैं, क्योंकि हकीकत में ऐसी कोई बात रिपोर्ट हो ही नहीं रही। हाँ, उन्होंने लेकिन उनका खौफ देखें कि जितने भी मुल्क हैं इस वक्त यूरोप के, उन्होंने अपने शहरियों को रोक दिया है कि आप एयरपोर्ट पर ना आए, हालांकि एयरपोर्ट पर ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो अमेरिकन का है, यानी उनके ये खौफ का आलम है। हालांकि तालिबान चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मूव करना शुरू कर दिया है। और इनका खौफ देखिए, ये देखिए दुनिया, ये बड़ा आलमिया है, तारीख ने एक अजीब पलटा खाया, आसमान देख रहा है और ज़मीन पर बैठे लोग सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि 4 करोड़ का ये मुल्क, 4 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, जिसकी ज़्यादातर आबादी दूर दराज बिखरी हुई है, आज आलमी ताकतें किस कदर खौफ से परेशान हो गई हैं। आज उन्होंने अपनी तरफ से जो उनमें कर सकते थे, आप देख रहे थे कि IMF हो गया, जो वर्ल्ड बैंक का इदारा है, जो अमेरिकन ने उनको पैसे देने थे, जो G7 ने पैसे दिए, वो सब रोक दिए हैं, यानी उनका हुक्का पानी या दूसरे लहसुन में बंद करके उन्हें मजबूर करना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हकीकत में वो खुद मजबूर हैं और उन्होंने तालिबान के सामने इस वक्त वो जो 80 साल का बाबा है ना बैठा हुआ वाशिंगटन में, अब वो सोच रहा है कि मेरा एक मेरा दिमाग ही तो काम कर रहा था, उससे भी गलतियाँ होंगी, ये हो क्या गया, मैं क्या करूँ, इनका क्या हल ढूंढूं। क्या साहब, एक बहुत बड़ी अंदर की खबर है, अंदर की खबर क्या है, बल्कि BBC और CNN पर डिस्कशन की जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से मौकफ सामने आया है कि हमें इस बात का डर है कहीं ISIS हम पे हमला ना कर दे। दाएश, वो ग्रुप जिन्होंने खुद बनाया, हैरी क्लिंटन जो है इस बात को तस्लीम कर चुकी हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान कि हम लोगों ने किस तरह से दहशतगर्दों की तंजीमें बनाई और उसको कहां कहां लॉन्च किया। आज वो अमेरिका फिर कहीं दोबारा से कोई 9/11 वाली एपिसोड रिपीट करने तो नहीं जा रहा। फायदा कितना बड़ा अलमिया है, दुनिया को इससे सबक सीखना चाहिए। वो यूरोप जो बहाने और अमेरिका जो बहाना ढूंढता है किसी भी मुल्क पर कब्जा करने का कि यहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पर खवातीन को हकूक नहीं मिल रहे और यहाँ पर दहशत गर्दी हो रही है, वही मुल्क आज अफगानिस्तान के जो तालिबान से उनसे मदद कर रहे हैं कि हमें दाइश से बचाएं, हमें दूसरी जो टेररिस्ट तंजीमें हैं उनसे बचाएं, हमारी मदद करें। तो ये कितना बड़ा अलमिया है कि जिनको वो दहशत गर्द कहते थे, जिनके लिए बचने के लिए, जिनके खौफ पर उन्होंने ट्रिलियंस डॉलर ज़ाया किए, आज उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। मेरे मुझे तो ये बिल्कुल हिले हुए लग रहे हैं अपनी जगह से। सही, बौखलाहट का शिकार हो गए, बौखलाहट का शिकार हैं। और जो बाबा जी बैठे हुए ना वाशिंगटन में और रोज़ाना उनकी पेंटागन वालों के साथ जो अंदर की खबर है, मीटिंग्स होती हैं और जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाते। अच्छा ये बताएं, 31 अगस्त तक सारी फौजों का इनखला मुमकिन हो जाएगा, वहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि तालिबान की तरफ से ये उन्होंने वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया है कि जो बंदा वहाँ करनी तो चाहिए, देखिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अमेरिकन तर्जुमान ने कल बताया है कि जी हम 31 तक हमारे पास इतनी सलाहियत और अहलियत मौजूद है कि हम वहाँ से निकल जाएंगे। अब इतना बड़ा वो अगर क्लेम कर रहे हैं तो उनको निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ तालिबान ने भी क्लियर कट कह दिया कि आपके पास 31 अगस्त है, क्योंकि ये डेडलाइन तालिबान ने मुकर्रर नहीं की, ये खुद अमेरिका वालों ने मुकर्रर किया है। तो उन्होंने कहा जब आपने डेडलाइन मुकर्रर किया तो आप इस पर अमल आप करना है, और अगर आप डिले करेंगे तो फिर उन्हें थोड़ा सा डराया है अमेरिका को, इसके नतज आपको खुद भुगतने पड़ेंगे और फिर हमें कुछ ना कहना। और अभी जो G7 का भी इजलास हुआ, उन मुल्कों ने भी हाथ बांध के कहा तालिबान से कि देखें अगर 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल नहीं होता तो तौसीह भी इसमें हो सकती है और रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। मतलब ये तो उनका हाल हो गया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई नरमी नहीं आई डेडलाइन में, उन्होंने तो 31 अगस्त को फाइनल रखा। अमेरिकन तो कह रहे हैं कि हम निकल जाएंगे। सही। अच्छा, साथ ही साथ तर्जुमान तालिबान हुकूमत का ये भी कहना है, पाबंदी लगा दी है, कोई शख्स भी गैर मुल्की रकम लेकर मुल्क से बाहर नहीं निकल सकता। पहले पाबंदी लगाई है, पाबंदी तालिबान ने अभी बंदे नहीं रोके, अपने शहरियों से कहा है कि वो अभी बाहर नहीं जा सकते, जो अफगान शहरी हैं
आपको पता है कि ये भी एक लालच होता है हमारे इस खत्ते के लोगों का कि हम बाहर चले, हमारे लोगों को होता है कि हम यूरोप में, हमारे लिए अट्रैक्शन है कि कोशिश करते हैं कि दाव लगे किसी तरह भी बाहर चले जाएँ। इस तरह अफगानिस्तान में लोगों की कोशिश है कि वो किस तरह यूरोप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ तो सुकून की शायद ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अमेरिकन ने जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उन्होंने जो पहला स्टेप लिया है, जो पहली चीज़ कब्जे में लिया है, वो ये कह दिया है कि अमेरिकन डॉलर अब इधर ही रहेंगे, इनको कोई लेकर नहीं जा सकता। झंडा चेंज कर दिया अफगानिस्तान का, झंडा तो उन्होंने झंडा भी नहीं, पहले दिन ही नाम भी चेंज कर दिया, नाम भी उसने बदल दिया, झंडा भी बदल दिया, और उन्होंने अब डॉलर रोक दिया है। उनका अब ये यही रहेगा क्योंकि हमारी भी जरूरतें हैं, हमारे भी कुछ मसाइल हैं। जरूरियात की अगर बात की जाए तो तुर्की की तरफ से दावा किया गया है कि काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए हमसे अफगानिस्तान हुकूमत ने मदद मांगी है, जबकि तर्जमान तालिबान हुकूमत का ये कहना है ज़बीउल्लाह साहब का, हमने किसी भी किस्म की तुर्की से इस तरह की मदद नहीं मांगी है, बल्कि हम तो ना ये कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक आप भी अपनी फौज का इनखला यहाँ से करवाएं। एक्चुअली सारी सूरत 31 अगस्त के बाद क्लियर हो, अगर तालिबान के लिए तालिबान जब उसको टेक ओवर कर लेंगे, अमेरिकन चले जाते हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की या कोई ईरान या कोई और भी मुल्क ये क्लेम करे कि जी मैं वहाँ जाकर उसको कंट्रोल करूँ, ना वो कर सकता है। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये 31 अगस्त तक हमें इंतज़ार करना चाहिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी 31 अगस्त तक, और ये अमेरिकन के लिए भी एक चैलेंज है कि उन्होंने अगर खुद ही कहा कि हम निकल जाएंगे तो उन्हें निकलना चाहिए। चाइना के ड्राइंग रूम में क्या इस बातें की जा रही हैं? देखिए अभी एक बड़ी एक अहम खबर मैं आपके इस प्रोग्राम में शेयर करना चाहता हूँ कि चाइना और रशिया दोनों की एक बातचीत हुई है, बड़ी हाई लेवल पर एक ड्राइंग रूम में मीटिंग हुई है, और उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान को किस तरह माली तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। देखिए अफगानिस्तान के बजट जो है वो कम से कम 5.5 अरब डॉलर है, ठीक है ना, तो उसको पूरा करने के लिए अफगानिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं जो थे। कुछ अशरफ गनी साथ ले गया, साथ ही लेकर गया, अशरफ गनी कई सालों से बाहर अपने पैसे बाहर रख चुके थे, रख चुके थे। और अभी जो उनको यूरोप वगैरह से या जो इंटरनेशनल इदारों से मदद मिलनी थी वो भी बंद हो गया, तो शनीद है कि रशिया और चाइना ने ये सोचा है कि अब ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी जो अभी इंतजामिया बुरी हुकूमत है, जो इंतजामिया है उनके सामने बहुत सारे मसाले, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की वहाँ तनख्वाहें देनी हैं, उन्होंने लोगों को इलाज की सहूलतें देनी है, वहाँ पर खुराक की कमी हो रही है, और सुना कि वहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही है। और शुक्र करें कि ईरान ने अभी थोड़ा सा उनको रिलीफ दिया है कि वहाँ ऑयल जो है वो देना शुरू अच्छा, कर दिया। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की अगर हम खित्ते में अमन चाहते हैं तो फिर हमें वहाँ पर अमन बरकरार होने देने में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में अमन तभी आ सकता है जब जंग बंदी हो जाती है। देखिए खान साहब की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी जो खूबी है, जो बातें हैं उनकी कही हुई बातें फ़ायदा आज दुरुस्त हो रही है, ये तो आप मानती हैं कि खारजा पॉलिसी के हवाले खान साहब ने हमेशा बेहतर और जरूरतमंदाना। अच्छा खारजा पॉलिसी पर अगर बात की जाए तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी खारजा पॉलिसी के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है, कुछ बातें वो भी ये करके जा चुकी हुई हैं। बहुत सारे देखें हमारे पाकिस्तान के 70 साल की तारीख देखें तो हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो इतनी आइडियल नहीं रही है। हमारे लीडर जितने भी बने, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने फायदा इस तरह जरूरत से स्टैंड नहीं लिया, कहीं ना कहीं उनका खौफ लालच या डर कुछ ना कुछ उनके आड़े आया। परवेज मुशर्रफ को क्रेडिट नहीं देंगे, जनरल परवेज मुशर्रफ की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जो आज जाके समझ आना शुरू हुई हैं कि उस वक्त उनके किए गए फैसले जो थे वो गलत नहीं थे, आज उनका फ़ायदा पाकिस्तान को ही आ रहा है। कहा जा रहा है 1 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है, 1 ट्रिलियन बड़ी अमाउंट है। देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ जो फैसले किए थे ना उनके असरात तो अभी तक हम भुगत रहे हैं, और अभी बहुत देर तक उनकी खूबियाँ खामियाँ जो हमारे सामने आती रहेंगी। लेकिन खान साहब का मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने जो मौक़ अख्तियार किया अफगानिस्तान के हवाले से हमेशा मज़ाकरात की बात किया, और आप जानती हैं कि तालिबान और अमेरिका को मज़ाकरात पे भी जो दोहा में लेकर है वो भी खान साहब के हक़ थी, और आज जो एक अमेरिकन बड़े आराम से और जिस तरह जो अमन के साथ वहाँ से निकले हैं और जिस तरह तालिबान ने वहाँ कब्ज़ा किया पूरे अफगानिस्तान में, मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की भी एक सेशन थी कि कोई भी काम हो वो बातचीत से और अपना अपने दरवाजे खुले रखे, एक दूसरे से मज़ाकरात सुने, एक दूसरे की सुने और दूसरे को सुनाएं। तो मेरे ख्याल में खान साहब की पॉलिसी जो है जो उन्होंने बयान दिया था जो हमेशा कहते थे वो अब वक्त साबित कर रहा है कि वो ठीक साबित हो रहा है।
रूस का ये दावा है कि हमारे 100 से ज़ायद हेलीकॉप्टर जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन जदीद सिस्टम के साथ अभी उनका कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है अफगान हुकूमत का, क्योंकि वो उस जदीद टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ नहीं है, तो उनको वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। उनको ऑपरेट करने के लिए हमारी या किसी न किसी की तावन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो क्या अफगान हुकूमत जो है, जिसने अभी तक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, क्या इस मामले में वो फ्लेक्सिबल रहेंगे और किसी की मदद हासिल करेंगे चीज़ों को ऑपरेशनल करने के लिए? रशिया, ये तो फ़ायदा हकीकत है कि कोई ना कोई जो तालिबान की मदद कर रहा है ना कोई साथ उसके बैक में, ड्राइंग रूम में उनके पास भी कोई है। आप जानते हैं कि रशिया का अभी तक जो है वहाँ पे रशिया का और चाइना का दोनों का सफारतखाना वहाँ पे मौजूद हैं और दोनों उसी तरह काम कर रहे हैं और एतमाद के साथ काम कर रहे हैं। तो दिस मीन कोई ना कोई तो है इर्द गिर्द बैठा, वो बड़ी ताकत बैठी है जो उनके ड्राइंग रूम में जाकर उनका मशवरा भी दे रहा है, उनको ऑन भी कर रहा है और उनको मुस्तकबल के हवाले से उनको थोड़ा सा एतमाद भी दे रहा है कि हम आपके साथ हैं, फिक्र ना करें। आपका दुश्मन आपसे डर कर भाग कर जा चुका है, बड़ी ताकतें आपसे खौफ ज़दा हैं, तो हम आपके साथ हैं। आप ज़ाहिर है वो भी तो सारे हरबे इस्तेमाल करेंगे, आप जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका वो भी तो सारे हरबे इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि अमेरिकन भी, आपने सही कहा था कि ये जितने सो कॉल्ड ज़ालिम होते हैं बहादुर बनने को अंदर से बहुत डरपोक होते हैं, कहीं ना कहीं लाइन अप भी वो दे रहे हैं कि हम अगर तालिबान ने अच्छा खेला और अब अगर तालिबान की पॉलिसियाँ अच्छी हुई, उनकी हुकूमत साजी अच्छी हुई, तो उनके बारे में सोचा जा सकता है। ये जो होता है ना सोकर जालम, के अंदर से इतना बोझल होता है कि कहीं ना कहीं लाइन जरूर रखता है कि अपनी बचत की और कहीं ना कहीं मामला बेहतर बनाने की जरूर सोचता है। सही। अच्छा, कुछ बात करते हैं वादी पंजशीर के हवाले से। अहमद शाह मरहूम के जो बेटे हैं अहमद मसूद, अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया अफगान हुकूमत के सामने, और उनका ये कहना है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा, लेकिन मुज़ाकरात के लिए दरवाजे भी खुले छोड़े हुए हैं। मैं अपने वालिद मरहूम की रवायत को बरकरार रखते हुए कि दुश्मनों से बातचीत भी की जा सकती है, उस पर फोकस करूँगा। जबकि तर्जमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह साहब का ये कहना है कि अगर हम चाहें तो एक दिन में वादी पंजशीर पर कब्ज़ा कर सकते हैं, और उसकी कुछ अहम चोटियों पर कब्ज़ा करने का दावा भी वो कर चुके हुए हैं, लेकिन हम खून खराबा नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि शुमाली जितने भी इलाके के जितने भी लोग हैं, जितने भी कबाइल हैं, उन कबाइल के साथ बैठ के अफाम व तफहीम के साथ मसाइल को हल किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह देखें तालिबान ने जिस तरह पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया ना, जिस तरह अमन से और जिस तरह अब देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जगह को खून रे चांगो जो, जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के हर इलाके को, आप जानती हैं कि कितना ये फैला हुआ मुल्क है, दूर दराज इलाकों में दूर दराज कबाइल को जिस तरह उन्होंने काबू में लाए हैं, अब उनकी ये सोच बन गई और इनकी कोशिश भी है कि जो पंजशीर का मामला है इसको ताकत से और लड़ाई से हल ना नहीं किया जाए, बल्कि क्योंकि वो चाह रहे हैं कि दुनिया को गलत मैसेज जाएगा। जब हमने इतना बड़ा काम कर लिया, हमने इतने बड़े मुल्क को जब हमने काबू में कर लिया है, तो फिर हम इस छोटी से छोटी पे इतनी लड़ाई करें और फिर वो अपनी साख को ख़राब करें। तो मेरे ख्याल में कि वो उनका ये अच्छा फैसला भी है और वो आखिरी गेंद खेलेंगे बातचीत तक, इनको मौका दिया जाए इस मसले को, और मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा। आपकी बात दुरुस्त साबित होगी ना, इस वक्त उनके भी ड्राइंग रूम में कोई ना कोई साहिब अकल मौजूद है। मेरे ख्याल में अहमद शाह मसूद वो भी सोच रहे हैं अपने जो उनके हल्का बाप है उससे बैठ कर मशवरे कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि खून रेजा होगी, बातचीत से ये मसला हल हो जाएगा और हो जाना चाहिए। सही। वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का। हम पियेंगे एक अच्छी सी गर्मा गर्म सी चाय, क्योंकि मौजू बहुत गर्म गर्म था। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में मज़ीद क्या होगा और इंटरनेशनल लेवल पे क्या तब्दीलियां होंगी, और अफगानिस्तान के ड्राइंग रूम में कौन उनको गाइड कर रहा है, मज़ीद क्या हिकमत अमली रहेगी, खत्ते में पाकिस्तान की पोजिशन किस तरह से रहेगी, और अमरीका जो है इंतखला कितना जल्द अज जल्द करने में कामयाब होगा, ये सब मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन अगली ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और फ़याज़ राय साहब को। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।